फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो छोटे से बच्चे से लेकर बड़ी उम्र के लोगों के फेवरेट हैं। यंग जनरेशन उन्हें कूल प्राइम मिनिस्टर कहकर बुलाती है और काफ़ी लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जीवन को पूरी तरह से देश के नाम कर दिया है। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही बल्कि उसके पीछे सालों की मेहनत छिपी है जो अभी भी थमने का नाम नहीं लेती। और कहते हैं मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है, यही वजह है कि आज देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों तक प्रधानमंत्री मोदी का नाम जोरों शोरों से लिया जाता है। भारत में तो प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों की सराहना अक्सर होती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हाउडी मोदी संबोधन की तारीफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुके हैं, जो कि भारत देश के लिए काफी गर्व की बात है। एनआरजी की ये एनर्जी भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती सिनर्जी की गवाह है। प्रेसिडेंट ट्रंप का यहां आना अमेरिका की महान डेमोक्रेसी के अलग अलग प्रतिनिधियों का, चाहे वो रिपब्लिकन हो डेमोक्रेट हो, उनका यहां आना और भारत के लिए मेरे लिए इतनी प्रशंसा में काफी कुछ कहना, मुझे बहुत शुभकामनाएं देना, स्टेनी हॉयर, सेनेटर कॉर्निन, सेनेटर क्रूज और अन्य साथियों ने जो भारत की प्रगति के बारे में कहा है, जो प्रशंसा की है, वो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का, उनके सामर्थ्य, उनके अचीवमेंट का सम्मान है। पीएम के संबोधन के मुरीद बीजेपी और सहयोगी दलों के भी बड़े नेता हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का संबोधन चल रहा था, उस वक्त वर्ल्ड वाइड ट्विटर पर हैशटैग हाउडी मोदी ट्रेंड करने लगा। कई नेताओं और पदाधिकारियों ने पीएम मोदी को इस बात की बधाई दी। पीएम मोदी का ह्यूस्टन शहर का दौरा इस कदर हाईलाइट हुआ कि सोशल मीडिया पर सिर्फ हाउडी मोदी ही ट्रेंड करने लगा। बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर लोगों ने इस हैशटैग के साथ ट्वीट किया। सबसे बड़ी बात ये रही कि भारत में अभी तक ये टॉप ट्रेंड पर बना हुआ है। बता दें कि दुनिया भर में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों ने इसे लाइव देखा है। और जहां पूरी दुनिया पीएम मोदी की फैन बन चुकी है, वहीं उनके सबसे खास प्रशंसक और शुभचिंतक और सहयोगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके पीएम मोदी के भाषण की तारीफ की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता अब वैश्विक स्तर पर है, ये भारत के नागरिकों की पहचान है। हैशटैग हाउडी मोदी इवेंट की सफलता दिखती है कि कैसे नया भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में कितना बदल चुका है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत भारत की छवि पेश करने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं, जो सभी भारतीयों का सपना है। इसी के साथ ही एक अन्य ट्वीट में लिखा गया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तरक्की के सभी रास्तों पर सफर करेगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे और भी बड़ी खबरों को लेकर। नमस्कार।